हे गाइस, कैसे आप सब। मैं शिल्पी आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल श्रीजीत व्लॉग्स में। आज का वीडियो मैं थोड़ी अलग सी जगह पर शूट कर रही हूँ, इसलिए मे बी क्वालिटी का थोड़ा ऊपर नीचे होगा, लेकिन कंटेंट आपको फुल मिलेगा, पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको जरूर मिलेगी। लेकिन आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज का टॉपिक है कि हमें हमारे बच्चों के लिए किस टाइप की फीडिंग बॉटल्स यूज करनी चाहिए। मार्केट में बहुत सारे लोकल ब्रांड्स की फीडिंग बॉटल्स मिलते हैं और बहुत सारे ब्रांडेड भी फीडिंग बॉटल्स मिलते हैं, लेकिन आपके बच्चे के लिए कौन सी फीडिंग बॉटल सबसे सही है और कौन से में आपका बच्चा बिल्कुल कंफर्टेबल होगा फीड कर लेने में, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है देन प्लीज एंड तक जरूर देखिए। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। अब देखिए, मार्केट में प्लास्टिक की बॉटल्स भी मिलती है और स्टील के बॉटल्स भी मिलते हैं। बहुत सारे लोग स्टील के बॉटल में दूध पिलाना पसंद करते हैं। स्टील का बॉटल वैसे तो सही होता है, मतलब बच्चे के हेल्थ के हिसाब से देखे या किसी भी प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से देखे बीपीए फ्री होता है, सही रहता है। कोलिक फ्री भी होता है, कोलिक एंटी कोलिक होता है, वो जो बॉटल्स होते हैं वो सारे पॉइंट्स तो सही है। लेकिन मुझे लगता है कि एक मेजर प्रॉब्लम हम स्टील की बॉटल में फेस करते हैं वो ये है कि हम मेजर नहीं कर पाते कि हमने कितना दूध उसमें लिया है। अब देखिए, जब भी हम हमारे बच्चों को दूध पिलाते हैं हम ऐसे मेजर करते हैं कि हमें 30 ml दूध चाहिए, अभी अभी हमें 60 ml बेबी को पिलाना है, अभी हमें 90 ml बेबी को पिलाना है। हम मेजर करके इसलिए दूध पिलाते हैं क्योंकि इससे हमें अंदाजा आता है कि बच्चे का पेट कितने ml में जाके भरता है, कितना उसने छोड़ दिया है और हमें कितना दूध लेना चाहिए जिससे दूध जरा भी वेस्ट ना हो। तो स्टील के बॉटल में सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेजरमेंट का ही होता है, क्योंकि स्टील के बॉटल में हमें पता नहीं चलता है कि हमें कितना दूध लिया हुआ है, बच्चे ने कितना दूध पिया है, कितना छोड़ दिया है। तो मेजरमेंट का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है स्टील के बॉटल में। लेकिन नॉर्मली बाकी ही है ना, प्रोस्पेक्टिव से अगर देखा जाए वो बीपीए फ्री होते हैं, एंटी कोलिक्स होते हैं, तो उसके हिसाब से तो स्टील के बॉटल बेस्ट है। लेकिन हाँ, मेजरमेंट के हिसाब से तो स्टील के बॉटल में हमें मेजर करने में प्रॉब्लम होती है। इसलिए नॉर्मली ज्यादातर पेरेंट्स अपने बेबी के लिए स्टील का बॉटल या प्लास्टिक का बॉटल प्रेफर करते हैं। बहुत सारे ब्रांड्स के फीडिंग बॉटल्स आते हैं, उन्हें प्रेफर करते हैं। तो आज मैं आपको मैं अपने बेबी के लिए कौन सा फीडिंग बॉटल यूज किया उसके बारे में बताऊंगी, उसके बारे में आपको एक इन्फॉर्मेशन भी दूंगी। मैंने अपने बेबी के लिए लवलैब का भी बॉटल यूज किया हुआ है और ये फिलिप्स के एवियंट जो बॉटल होते हैं वो भी यूज किए हुए हैं। आज मैं सबसे पहले बात करूंगी लवलैब के बॉटल्स के बारे में। ये एक रेगुलर साइज लवलैब का बॉटल है, इसमें कम से कम 180 ml तक का मिल्क आना आप ले सकते हैं एक ही बार में। इसकी क्वालिटी काफी अच्छी है, ये बीपीए फ्री है और एंटी कोलिक वाल्व भी है इसके अंदर। ये बॉटल आप अच्छे से आराम से स्टेरिलाइज भी कर सकते हैं। नॉर्मली बच्चों के लिए ये बॉटल काफी अच्छा रहता है फीडिंग के लिए। मैंने लवलैब का बॉटल यूज तो किया, लेकिन मुझे हमेशा से इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम लगती है, वो है इसका निप्पल। ये देखिए, इसका जो निप्पल है ये इस साइज का है और इसका जो होल है ये भी थोड़ा बड़े साइज का है। इससे क्या होता है, 0 to 6 मंथ्स के जो बच्चे होते हैं वो धीरे धीरे दूध पीते हैं, ठीक है। उन्हें क्या चाहिए कि ऐसा बॉटल चाहिए जिसमें से धीरे धीरे दूध है, जिसे वो आराम से सक कर सके और आराम से फीडिंग ले सके। लेकिन लवलैब के बॉटल में मुझे क्या लगता है कि इसका जो निप्पल जो साइज है, निप्पल का जो होल का साइज है वो थोड़ा बड़ा है। इससे क्या होता है, जो दूध है वो बहुत ही स्पीड में आता है, काफी स्पीड में दूध आता है। इसकी वजह से जो बच्चे है वो आना मतलब चोक हो जाते हैं या फिर इतनी स्पीड में दूध आता है वो आराम से दूध पी नहीं पाते, उनको उनके गले में अटक जाते हैं, वो चोक हो जाते हैं इसकी वजह से। इसलिए 0 to 6 मंथ के लिए मैं ये बॉटल प्रेफर नहीं करूँगी, क्योंकि इसका जो निप्पल का जो टेक्सचर है वो भी है ना बच्चों के मुंह के लिए कंफर्टेबल नहीं होता, बच्चे है ना इतनी कंफर्टेबली इससे दूध नहीं पी पाते 0 to 6 मंथ्स के बच्चे। हाँ, 6 मंथ्स के जो अबव के बच्चे होते हैं वो इसमें से दूध आराम से पी सकते हैं, क्योंकि तब तक क्या होता है वो सकिंग पावर उनका बढ़ गया होता है, वो जोर जोर से सक करते हैं ना, काफ़ी स्पीड में वो दूध पी पाते। तो मैं रेकमेंड करूंगी कि अगर आपका बेबी 6 मंथ्स प्लस है तो आप लवलैब का बॉटल यूज कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे फिलिप्स के एवियंट बॉटल। मेरे पास दो टाइप के हैं, मतलब कि एक है छोटा जिसमें ना आप 125 ml तक दूध ले सकते हैं फिलिप्स एवियंट, और यह बड़े साइज का बॉटल, इसमें आप 9 oz यानी कि 260 ml तक का दूध इस पे ले सकते हैं।
ये जो बॉटल्स होते हैं ये भी BPA फ्री होते हैं एंड एंटी कॉलिक वाल्व्स इसमें होते हैं, इसलिए इसके वजह से बच्चे के पेट में बिल्कुल भी हवा नहीं बढ़ती, उनको बिल्कुल भी गैस की प्रॉब्लम नहीं होती है। ये दोनों बॉटल्स में ये क्वालिटी बहुत अच्छी है कि वो ये BPA फ्री एंड एंटी कॉलिक वाल्व्स है इसमें। फिलिप्स की बॉटल्स की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी होती है और सबसे यूनिक है इनका निप्पल। ये देखिए निप्पल का टेक्सचर कितना अलग है, बच्चे बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं जब वो इसमें से दूध पी रहे होते हैं। एक नेचुरल लैच की फीलिंग आती है बच्चों को, बच्चों को ऐसा लगता है कि वो अपने मदर के ब्रेस्ट से ही दूध पी रहे हैं, क्योंकि इसका जो निप्पल है बिल्कुल उस हिसाब से इसको डिजाइन किया गया है। फिलिप्स ने हमारे बेबीज के हिसाब से अलग अलग टाइप के निप्पल्स लॉन्च किए हुए हैं। जैसे जैसे हमारे बेबीज की एज बढ़ती है, उनकी जो सकिंग कैपेसिटी होती है वो बढ़ती है, उस हिसाब से अलग अलग टाइप के निप्पल आप यूज कर सकते हैं। फिलिप्स ने खास ध्यान रखा है कि बच्चे ये फेना सकिंग कैपेसिटीज के हिसाब से उन्होंने निप्पल्स लॉन्च किए हुए। आज मैं आपको एक लिस्ट समझाती हूँ जिसके हिसाब से आपको भी आसानी होगी अपने बेबी के लिए निप्पल चूज करने के लिए। 0 to 1 month के बेबी के लिए है फर्स्ट फ्लो निपल, उस निपल का जो होल होता है स्मॉलर वन होल होता है उसके अंदर। फिर होता है 0 to 3 months के बेबी के लिए, उनके उनके निपल को कहते हैं न्यू बॉर्न निपल, उसके अंदर एक होल होता है। फिर है 1 to 3 month बेबी के लिए, उनमें होता है स्लो फ्लो निपल, उनमें दो होल्स होते हैं, उस निपल के अंदर दो होल्स होते हैं। फिर है कि 3 to 6 months के बेबी के लिए मीडियम फ्लो निप्पल, उसमें 3 होल्स होते हैं। और फिर 6 month plus बेबी के लिए होता है फास्ट फ्लो निप्पल, क्योंकि तब तक उनकी कैपेसिटी काफ़ी अच्छी हो जाती है सकिंग कैपेसिटी, इसलिए आप उनके लिए फास्ट फ्लो निप्पल यूज कर सकते हैं जिसमें 4 होल्स होते हैं। जो निप्पल है उनके ऊपर ही है ना नंबर्स लिखे हुए 1 2 3 4 करके, इसलिए आपको आसानी से पता चलेगा कौन सा निप्पल आपको कब यूज करना है। आप अपने बच्चे के एज के हिसाब से निप्पल्स को चेंज कर सकते हैं और उन्हें यूज कर सकते हैं। एवरी 3 months में आपको बॉटल का निप्पल चेंज करना जरूरी है, क्योंकि अगर आप लंबे समय के लिए एक निप्पल को यूज करेंगे तो फिर इन्फेक्शन हो जाने के चांसेस रहते हैं। इसलिए एवरी 3 3 months आपको बॉटल का जो निप्पल है वो चेंज करते रहना है, और बॉटल आपको 6 6 months में चेंज करना है। मतलब 6 months आपने एक बॉटल यूज किया, फिर उसको चेंज करके दूसरा आप न्यू बॉटल खरीदिए और उसको डिस्पोज कर दीजिए पहले वाले को। आई होप आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया। अगर पसंद आया देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल श्रीजीत ब्लॉग्स। थैंक यू सो मच।